आज मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस पूरनपोली की रेसिपी। पूरनपोली को बनाना बहुत आसान है, बस कुछ टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। साथ में ही इसके साथ जो करी सर्व की जाती है, जिसे आमटी कहा जाता है, उसका भी बनाने का तरीका मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। पूरन पोली बनाने के लिए सबसे पहले हम चने का दाल ले लेंगे। तो एक कप मेजरिंग कप से मैंने चने का दाल लिया है। मैंने यहाँ पे अनपॉलिश चने का दाल इस्तेमाल किया है, आप इसमें कोई भी चना दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चने के दाल को पहले पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। वैसे तो चने की दाल को रात भर पानी में भिगो के भी लोग बनाते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे तो आपकी पूरन पोली जो है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब हम जितना दाल लेंगे उसका 3 गुना पानी डाल देंगे इसमें, और इसके बाद थोड़ा सा तेल डाल दें, एकदम आधी छोटी चम्मच। नमक का इस्तेमाल मैं इसमें नहीं करूँगी क्योंकि पूरन पोली थोड़ा मीठा होता है, तो नमक इसमें आप नहीं डालें। प्रेशर कुकर को बंद कर दें और इसे कम से कम 8 से 10 सीटी आने तक पकाएं। चने की दाल को पकने में समय लगता है, तो अगर आपने इसे भिगोया है तो 5 से 6 सीटी लगाएं, और नहीं भिगोया है तो 10 सीटी तो आराम से लगने दें। 8-10 सीटी बाद आप गैस को बंद कर दें और प्रेशर कुकर को खोल के चेक कर लें। अगर चना दाल नहीं पका है तो वापस पकाएं। ध्यान रहे कि चने की दाल को उबालते वक्त ना हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि उस पानी का इस्तेमाल हम आमटी बनाने में करेंगे। लेकिन अगर आपको आमटी या फिर जो स्पाइसी करी होती है वो नहीं बनानी है, तो आप चने की दाल का इतना ही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10वीं सीटी लग गई है, प्रेशर कुकर को ठंडा हो जाने दें, और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे सावधानी से खोलेंगे। तो प्रेशर कुकर का गैस निकल जाने दें और उसके बाद इसे खोल दें। तो यहाँ पे ये जो दाल है वो अच्छे से गल गई है, ये आप देख सकते हैं, और पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको करी नहीं बनानी है तो आप पानी कम डालें। तो ये दाल एकदम अच्छे से पक गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इस दाल को छान लेंगे। मतलब इसका जो पानी है वो अलग कर लेना है और दाल को अलग कर लेना है। तो हम क्या करेंगे कि इसे स्ट्रेनर से छान के निकाल लेंगे। तो ये जो दाल का पानी है ये हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे, जो आमटी बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे चने की दाल को मैंने छान लिया है, अब इस दाल को ठंडा हो जाने दें, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। तो यहाँ पे इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देती हूँ मैं। तो यहाँ पे चने का दाल जो है वो ठंडा हो गया है, तब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब स्ट्रेन कैसे करना है, ये जो स्ट्रेनर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, इसी से घिस के इसे निकाल लेना है, क्योंकि जब भी हम पूरन पोली बनाते हैं तो उसमें ये जो स्टफिंग होती है ना पूरन, वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो इस पानी को निकाल के हम रख देंगे फर्दर यूज़ के लिए, और इसके बाद एक थाली ले लेंगे और इसमें ये जो चना का दाल है इसमें हम गुड़ डाल देंगे। तो 1 कप चने के दाल के लिए आप यहाँ पे 1/4 कप, मतलब 3/4 कप यहाँ पे गुड़ इस्तेमाल करें। कोई भी गुड़ इस्तेमाल करें जो आपको पसंद है, आप चाहिए तो गुड़ और चीनी का मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों को मिलाने के बाद ना हमें क्या करना है, इसी से इसे छान के निकालना है। ये देखिए, स्टफिंग आपकी जितनी स्मूथ होगी उतना ही अच्छा आपका पूरन पोली बनेगा। तो यहाँ पे दोनों को मिला के ऐसे छान लें। अगर आपके पास ऐसा स्ट्रेनर नहीं है तो जो आटा चालने वाला चालन आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे बोल या फिर ग्लास के पीछे के हिस्से से इसे प्रेस करें तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे मिला देंगे, और इसके बाद अब हम गैस ऑन करके एक पैन में इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। आप चाहिए तो जिस प्रेशर कुकर में आपने इसे उबाला है उसमें भी भून सकते हैं। तो इसे भूनने के लिए मैं थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहिए तो बिना तेल के भी कर सकते हैं। तेल डालने से ये चिपकता नहीं है पैन में। तो यहाँ पर ज़रा सा तेल डाला मैंने, उसके बाद ये पूरन डाल दें, और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 4 से 5 मिनट तक भुनना है। तो मैंने यहाँ पे जो स्टफिंग बनाई है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, अगर आपने चने दाल को रात भर पानी में भिगो के रखा होगा तो ये पतली हो जाएगी, तो आपको इसे ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 मिनट में मेरी पूरन जो है वो एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी वाली बन गई है। तो हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद हम इसमें इलायची का पाउडर और जायफल का पाउडर डालेंगे। इलायची का पाउडर और जायफल का पाउडर जो है वो आप गैस बंद करने के बाद डालें, उससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप पैन में ही डाल देंगे ना तो उसकी खुशबू जो होती है वो उड़ जाती है। तो यहाँ पे ये मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच आप इसमें जायफल का पाउडर डाल दें, जायफल इसमें ऑप्शनल है। अब हम इसे ऐसे मिला देंगे। ध्यान रहे कि जब आप इसे पकाएं ना, मतलब ये गुड़ और चने को जब हम पैन में पकाएंगे तो उसे ओवर कुक नहीं करें, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा, और जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा जब आप इसका पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सॉफ्ट रखा है, ये देखिए,
और हमने इसमें स्ट्रेनर इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से ये बहुत ही स्मूद है। ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तब हम क्या करेंगे कि इसे ठंडा हो जाने देंगे और इसके बाद जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम डो लगा लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है और इसके साथ ही 1 कप मैदा ले लेंगे। आप चाहिए तो सिर्फ मैदे का बना सकते हैं या फिर सिर्फ आटे का बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मैदा इस्तेमाल करेंगे तो पराठे के लिए जो डो है वो अच्छे से स्ट्रेच होगा और पूरन पूली अच्छी बनेगी। 1/4 छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी का पाउडर डाल दें और 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दें। हल्दी पाउडर इसमें डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप हल्दी डालेंगे तो पराठे का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे तेल। तो ध्यान रहे कि जब भी आप पूरन पोली या किसी भी पराठे का डो बनाए तो वहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं करें, तेल का इस्तेमाल करें। घी से पराठे जो है वो क्रिस्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप तेल डालेंगे तो पराठे जो है वो बहुत देर तक मुलायम रहेंगे। और इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसका एक डो लगा लेंगे। नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें, ठंडा या गर्म नहीं। पूरन पोली का डो बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डो आपको सॉफ्ट गूंदना है, बहुत ही सॉफ्ट गूंदना है। ये देखिए, जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतनी ही अच्छी स्टफिंग जो है वो स्प्रेड होगी। तो अब हम इस डो के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं रखना है। तो बस ऊपर के ये जो सतह है उसे ऐसे तेल से ग्रीस कर दें और उसके बाद सूती के कपड़े से ढक के आप इसे 10 मिनट के लिए रख दें। तो यहाँ पर मैं इसे 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम इस डो को वापस एक बार गूंद लेंगे। तो यहाँ पे इसे एक बार ऐसे स्मूथ कर ले और इसके बाद हम इसकी लोई बना लेंगे। तो हमें ना इसमें लोई और जो पूरन की लोई है वो दोनों एक ही समान बनानी है। तो पहले मैंने ये डो की लोई बना ली। तो यहाँ पे सारी लोई मैंने बना ली है। अब हम क्या करेंगे कि जो पूरन है उसकी भी सेम साइज़ की लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे ये ठंडा होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है, थोड़ा भी स्टिफ या ड्राई नहीं दिख रहा है, ये देखिए। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो जितनी बड़ी हमने लोई ली है उसी के बराबर की ये पूरन की लोई हम बना रहे हैं, ये देखिए। तो इससे क्या होगा ना, स्टफिंग बहुत अच्छे से होगा। लेकिन अगर आपको लगता है स्टफिंग में दिक्कत होती है तो आप लोई छोटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी मैंने लोई बनाई है सेम प्रोसेस से हम इसे स्टफिंग का बॉल बना लेंगे, ये देखिए। तब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में जहाँ पे हम पूरन पोली बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है मैंने और एक लोई लेके इसे हल्का सा फ्लैट कर रहे। तो पहले क्या करेंगे ना कि रोल नहीं करना है, पहले हल्का सा मैदा लगा के और उसके बाद ऐसे बोल शेप का बनाइए, देखिए। अंगूठे से ऐसे सेंटर में प्रेस करें और किनारों को फोल्ड करें तो ये खुद ही ऐसे कटोरी शेप का हो जाएगा। इसके बाद ये जो पूरन है वो सेंटर में रख देंगे और किनारों को ऐसे हल्के हल्के एक जगह लेके आएंगे, ये देखिए। हल्का सा इसे प्रेस करें और किनारों को ऐसे धीरे धीरे बंद करें। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है। अगर आपको स्टफिंग आती है तो आप ये प्रोसेस फॉलो करें, और नहीं आती तो दूसरा इजी प्रोसेस है ना मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ पे मैंने इसे बंद किया। अब हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएं और उसके बाद बेलन नहीं चलाना है, पहले हम इसे हाथों से ऐसे प्रेस करके पूरी के शेप का बना लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर बेलन चलाएंगे। तो हाथों से जब आप इसे ऐसे टैप करेंगे ना तो जो स्टफिंग है वो हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये देखिए। और इसके बाद आप चाहिए तो यहाँ पे बेलन लगाए या फिर हाथों से ही टैप करेंगे तो ये आराम से बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने जो डो बनाया है वो बहुत ही सॉफ्ट है और स्टफिंग भी सॉफ्ट है। और अगर आप इसे रोल कर रहे हैं तो एकदम हल्के हाथों आपको बेलन चलाना है इसके ऊपर, और इसे तब तक रोल करना है जब तक कि पूरन जो है वो ट्रांसपेरेंट होकर दिखने नहीं लगे। पूरन पोली पतली ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको स्टफिंग में दिक्कत है तो आप थोड़ा थिक रख सकते हैं। तो ये हमारी पूरन पोली जो है वो अच्छे से रोल हो गई है। तब हम इसे तवे पे डाल देंगे। तो तवा मैंने पहले से गर्म करके रखा है, गैस का फ्लेम मीडियम रखें, और जैसे रोटी या पराठा बनाते हैं वैसे ही हम इसे सेक लेंगे। तो जैसे ही आप इसे पहली बार पलटेंगे ना, ये खुद ही ऐसे गुब्बारे जैसा फूलने लगेगा। लेकिन अगर आपका पराठा रोल करते वक्त फट गया है तो ये नहीं फूलेगा। तो जैसे ये फूल जाए इसके ऊपर घी डाल दें। यहाँ पर आपको घी का इस्तेमाल करना है, तेल का नहीं। तो जब पूरन पोली बना रहे हैं ट्रेडिशनल रेसिपी, तो घी का इस्तेमाल दिल खोल के करें। तो यहाँ पे मैंने इसे घी से थोड़ा सा सेक लिया है। अब हम पलट देंगे और दूसरे साइड भी घी लगा देंगे। लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या बिना घी के भी आप इसे सेक सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों साइड मैंने अच्छे से घी लगा दिया है, और ये देखिए है ना, एकदम धमाकेदार लग रहा है ना। तो ये हमारी एक पूरन पोली जो है वो बन के तैयार है। तो अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और उसके बाद आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें।
तब मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ कि अगर आपको पहली वाली स्टफिंग नहीं आती है तो दूसरी स्टफिंग आप कैसे करें। तो दो छोटी छोटी लोई बना लें और उसके बाद दोनों को पूरी जैसा रोल कर लें। दोनों को एक बराबर रोल करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने पहली पूरी रोल की, सेम प्रोसेस से इस दूसरे को भी हम रोल कर लेंगे। और जब हम दोनों को रोल कर लेंगे ना, तब इसके सेंटर में हम क्या करेंगे कि वो पूरन डालेंगे। पूरन को बॉल बना के नहीं डालना है, पूरन को ऐसे स्प्रेड करके डालना है। तो यहाँ पे दोनों पूरी को आप ऐसे माप लें। तो यहाँ पे मैंने दो पूरियों को रोल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक पूरी के ऊपर वो स्टफिंग रख देंगे। तो यहाँ पे इसे मैं बाजू में रख देती हूँ। और ये देखिए, ये जो हमने बॉल बनाया था ना, उसे हल्के से ब्रेक करके और इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दें। पूरा एंड तक नहीं स्प्रेड करें, बस थोड़ा सा बॉर्डर पे आप स्पेस रखें। तो यहाँ पे मैंने इसे फैला दिया है। अब हम ये दूसरी पूरी इसके ऊपर रख देंगे और किनारों को ऐसे हल्का सा प्रेस करके बंद कर देंगे। तो किनारों को चिपकाने के लिए पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो स्टफिंग है वो सूखी रखी है। तो किनारों को ऐसे बंद करके और इसके बाद थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और मैदा लगा के इसे पहले हाथों से टैप करके बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे ये मैदा स्प्रिंकल किया मैंने। तो हाथों से जब आप इसे टैप करेंगे तो जो स्टफिंग है वो हर तरफ बराबर जाएगी, ये देखिए। और इसके बाद आप इसे रोल कर लें और छोटी बड़ी जितनी बड़ी आपको पूरनपोली बनानी है आप उस हिसाब से इसे एडजस्ट करें। तो यहाँ पे दूसरी हमारी पूरनपोली बन के तैयार है और ये वाला भी मैं आपको पका के दिखाती हूँ। तो जैसे ये थोड़ा सा सेक किया, मैंने इसे पलटा और ये भी फूलना शुरू हो गया, ये देखिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पहला प्रोसेस नहीं आता है तो आप पूरनपोली नहीं बना सकते। आप पूरनपोली को इस तरीके से भी बना सकते हैं। कोई भी स्टफिंग पराठा जो है वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बस इस पराठे में एक ही अंतर रहेगा कि जो स्टफिंग है वो पूरे एजेस तक नहीं आते हैं। तो यहाँ पे इसे पलट दें और उसके बाद दूसरे साइड तेल लगाइए, जो आपको पसंद है वो लगा लें। और ये हमारी दूसरी पूरनपोली भी बन के तैयार है। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा इसलिए किया है ताकि मैं हर स्टेप्स आपको अच्छे से बता सकूँ। तो ये हमारी मज़ेदार और सुपर सॉफ्ट पूरनपोली बनके तैयार है। तो यहाँ पे मैं ना आपको तोड़ के दिखाती हूँ, मतलब ऐसे अलग करके दिखाती हूँ कि इसमें स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए, बहुत गर्म है लेकिन स्टफिंग आप देख सकते हैं कि एकदम बराबर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो है ना, ये वाला प्रोसेस भी बहुत यूज़फुल। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरनपोली बनाने का आसान तरीका बता दिया है। जो मेथड आपको इजी लगे उस तरीके से आप बनाएं। तो अब हम चलते हैं आमटी बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए यहाँ पे सूखा नारियल ले लेंगे, प्याज ले लेंगे, यहाँ पे धनिया पत्ता, अदरक, लहसुन और ये करी पत्ता। तो हम क्या करेंगे ना कि इन दोनों को भून के यूज़ करेंगे और बाकी सबको कच्चा इस्तेमाल करेंगे। तो इन्हें भूनने के लिए मैंने लोहे का तवा लिया है, इस पे ये सूखा नारियल डाल दें और उसके बाद डार्क ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तेल वगैरह नहीं डालना है और लोहे के तवे पे ना ये जल्दी से सिक जाता है। नॉनस्टिक में वो फ्लेवर नहीं आता है, लेकिन अगर आपके पास लोहा नहीं है तो आप नॉर्मल नॉनस्टिक तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल को भून लिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे क्योंकि हमें प्याज को भूनना है, तो प्याज जो है वो बिना तेल के जल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के प्याज डालें और प्याज को हमें 4 से 5 मिनट तक भून लेना है, या फिर तब तक भूने जब तक कि वो नारियल के कलर का नहीं आ जाए। तो यहाँ पे प्याज को भी हमने भून लिया। तो बस आमटी बनाने के लिए हमें इस यहाँ पे ये खोबरा या नारियल जो बोलते हैं उसके साथ ये प्याज को भून लेना था। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग जार लिया है। इसमें ये नारियल और प्याज डाल देंगे, लहसुन अदरक और धनिया पत्ता भी डाल दें, बस करी पत्ता जो है वो तड़के में इस्तेमाल करेंगे। तब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी का इस्तेमाल आपको शुरुआत में नहीं करना है, पहले जार का ढक्कन बंद करके इसे ब्लेंड कर लें। थोड़ा सा ब्लेंड होने के बाद वापस इसमें पानी डालें। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार ब्लेंड कर लिया है। अगर आपका मसाला बिना पानी के ब्लेंड हो जा रहा है तो आप इसमें पानी नहीं डालें, लेकिन अगर नहीं पीस रहा है तो आप इसमें पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच पानी डाला है। अब हम जार का ढक्कन बंद करके और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला पेस्ट बन के तैयार है, ये आप देख सकते हैं। तब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमने एक कढ़ाई गर्म की है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। 4 चम्मच तेल डालें, तेल में हम राई डाल देंगे, इसके साथ जीरा डाल दें, इसके साथ ही हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। तीनों को थोड़ा सा भून लें। जैसे ही जीरा और राई पक जाएगा हम इसमें क्या करेंगे कि हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे। तो गैस आप यहाँ पे बंद कर दें ताकि ये जले नहीं। और मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी और 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। जैसे ही हल्दी और लाल मिर्च मिला दें गैस को वापस ऑन करें और इसके बाद हम इसमें वो मसाला पेस्ट डाल देंगे जो हमने बनाया है। तो यहाँ पे ये मसाला पेस्ट डाल के मिला दें।
इस करी में आप जीरा धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करें। अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच गुड़ा मसाला और एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। गुड़ा मसाला बहुत ही आसानी से मिलता है मार्केट में, आप इसकी जगह कांदा लहसुन मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं और वो नहीं है तो सिर्फ गरम मसाला डाल दें। तो हमने इसे अच्छे से मिला दिया है और इसे तब तक भूनना है जब तक कि मसालों से तेल नहीं अलग दिखने लगे। तो यहाँ पे मसाले का कलर डार्क हो गया, मतलब मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। तब हम इसमें थोड़ा सा पूरन डाल देंगे, जो हमने गुड़ वाला पूरन बनाया ना वो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच डाल दें और उसके साथ ये जो दाल का पानी हमने बचा के रखा था वो डाल देंगे। अगर दाल उबालने में आपका दाल का पानी नहीं बचा है, मतलब दाल कभी कभी सूख जाता है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच इमली का पल्प या फिर इमली का जूस डाल देंगे। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार और इसके बाद हम इसे मिला देंगे। पहले मसाले को ऐसे दाल के पानी से मिक्स कर दें और उसके बाद अगर आपको लगे कि इसकी थिकनेस कम करनी है तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। पानी डाला है तो थोड़ा सा नमक डाल दें और इसे मिला दें। ध्यान रहे हमने इसमें दाल का पानी डाला है जिसमें नमक पहले से डाला था, तो नमक हिसाब से डालें। अब हम इसे धीमी आँच पर 8 से 10 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में आप इसे ऐसे मिक्स करते रहें। हमें इस करी को तब तक पकाना है जब तक इसका कलर जो है वो डार्क थोड़ा नहीं हो जाए या फिर सब्जी के, मतलब ये जो करी है, इसके ऊपर ऑयल तैरता हुआ नहीं दिखने लगे। लेकिन अगर आपने इसमें कम तेल का इस्तेमाल किया है तो तेल ऊपर नहीं दिखेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी आमटी जो है वो बनके तैयार है। तो हमने इसमें बहुत सारे फ्लेवर ऐड किए हैं, हमने इसमें खट्टा मीठा तीखा तीनों डाला है, जो कि पूरन पुली के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर धनिया पत्ता डाल देंगे। तो पूरन पुली हमने पहले से बना के रखा है और ये आमटी करी बनके तैयार है। तो अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी रखा है, इसके साथ हम ये आमटी करी डाल देंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया कलर दिख रहा है ना। और इसके साथ आप चाहिए तो दूध या फिर श्रीखंड या फिर आमरस, जो आप खाते हैं वो सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पूरन पुली रखा मैंने, इसके साथ आप बैगन की सब्जी, पापड़, पकोड़े, जो आपको पसंद है वो सर्व करें। तो ये हमारी ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल पूरन पुली विद आमटी करी बनके तैयार है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरी कितनी नरम है। ये देखिए एकदम पेपर जैसा है। और स्टफिंग भी दिखा देती हूँ, ये देखिए है ना एकदम कम्प्लीट। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।